Redmi, Xiaomi या Poco डिवाइस के लिए अगर आप एक परफेक्ट डार्क थीम सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिए। थीम पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। MIUI 12.5 या MIUI 13 के लिए अगर आप एक परफेक्ट डार्क थीम सर्च कर रहे हो तो आप ये थीम ट्राई कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको गूगल का फोल्डर में काफ़ी न्यू टाइप का जो है, आपको गूगल का फोल्डर, आइकन्स, विजेट, वॉलपेपर, होम स्क्रीन में आइकन, टूल का फोल्डर में आइकन, सभी जगह में आपको न्यू टाइप का आइकन्स देखने मिलता है। इस आइकन पैक में आपको एक भी आइकन्स मिसिंग नहीं देखने मिलता है। और अगर आप जाएगा इसका विजेट तो वो भी आपको रेड व्हाइट में देखने मिलता है। अगर आप जाइए बाकी जैसे कि इसका कंट्रोल सेंटर में तो उसमें भी आपको चेंजेस देखने मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। आपको रेड कलर का टॉगल्स देखने मिलता है अनेबल करने में, डिसेबल टॉगल्स आपका व्हाइट कलर का रहेगा। तो पर्सनली लुक वाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। अगर आप जाइए इसका सेटिंग्स में तो सेटिंग्स में भी आपको चेंजेस देखने मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप डार्क मोड यूज़ कीजिए तो आपको ब्लैक बैकग्राउंड, रेड कलर का सभी टॉगल्स, व्हाइट फॉन्ट के साथ कॉम्बिनेशन जो है रेड ब्लैक और व्हाइट का काफ़ी अच्छा है। अबाउट फोन में भी आपको चेंजेस देखने मिल जाता है, आपका बॉर्डर हर एक जगह में देखने मिलता है, इनफैक्ट आप कॉल स्पेक्स में भी चेंजेस देखने मिलता है। तो मेरे को पर्सनली ये काफ़ी अच्छा लगा थीम, जो कि लुक वाइज काफ़ी एक्यूरेट और काफ़ी ऑन पॉइंट है। अगर आप जाएगा इसका एडिशनल सेटिंग्स में तो उसमें भी आपको चेंजेस देखने मिल जाता है। तो लुक वाइज देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आपको कस्टमाइज़ किया हुआ थीम देखने मिलता है। कहीं पे भी आपको जो है इसमें मिसिंग नहीं है कस्टमाइजेशन। डायलर, मैसेजेस ऐप, वॉल्यूम स्लाइडर, सभी जगह में आपको चेंजेस देखने मिलता है। और जेस्चर, नेविगेशन, जेस्चर बार, वो भी आपको रेड कलर का सभी कुछ देखने मिलता है। वॉल्यूम स्लाइडर देख सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग रेड कलर का स्लाइडर देखने मिलता है, जो कि काफ़ी कम थीम्स में आजकल आपका वॉल्यूम स्लाइडर चेंज होता है, बट इसमें चेंज हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको जो है लुक इसमें भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ चेंजेस करना आपका फ़ोन में तो आप ऑब्वियसली ये थीम ट्राई कर सकते हैं। अगर आप जाइएगा इसका लॉक स्क्रीन में तो उसमें भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको ऐसा कुछ जो है आपका विजेट देखने को मिलता है, फ्राइडे आपको बड़ा सा लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, या जो भी डे होगा वो, और आपको जो है टाइम और आपका मंथ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक के साथ देखने मिलता है। मेरे को पर्सनली ये जो डेट एंड टाइम का विजेट है काफ़ी अच्छा लगा लॉक स्क्रीन में। आपको कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये डाउनलोड करना थीम तो इसके लिए आपको जाना होगा थीम स्टोर में, सर्च करना होगा रेड IZ V13, क्योंकि ये थीम आपका MIUI 13 को भी सपोर्ट करता है, जो कि आप देख ही लिए। तो जाइए डाउनलोड मारिए, अप्लाई कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा ये रेड IZ V13। अगर आपको ये थीम और वीडियो अभी तक पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, लाइक के भी 101 रखते हैं, लाइक एम को कम्प्लीट कीजिए, फिर आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप जो है बेल आइकन को टैप करके नोटिफिकेशन को ऑल में रख सकते हैं। हो सके इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, तो वीडियो शेयर कीजिए। कुछ भी पूछना तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ कल कुछ इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल।